Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just Padhle. Mera naam hai PRanay, co-founder at Padhle. Aur sabko mil gayi badi news. आ गई वो न्यूज़ की भैया 10th और 12th के अंदर तो ये काम होने वाला है। अब जो हम 9th वाले हैं या जो 11th वाले भी हैं, हमको हमारे जीवन के अंदर करना क्या है, क्या होने वाला है, क्या सेम टू सेम चीज हमारे साथ रिपीट होगी, क्या रिपीट नहीं होगी, और ये पूरा का पूरा ये जो नया सिस्टम आया है इसका हम पे क्या इफेक्ट होने वाला है, ये सारी बातें मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर कि तुमने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक कर देना वीडियो को, एम करते हैं कुछ, चलो तुम लोग ही सेट कर लेना एम लाइक्स के अंदर, और कमेंट कर देना जो भी डाउट हो। बट मेक श्योर कि अगर तुम लोग अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, तो पढ़ले की लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन में ही है, साथ में तुम मुझे पर्सनली भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें डालता रहता हूँ कभी बार, तो मेक श्योर तो मुझे फॉलो कर लो @ConPranay। तो फिलहाल अगर हम बात करें इसके सेशन के बारे में, तो मैं तुम लोग बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक तुम लोगों को क्या क्या होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमको हमारे जीवन में करना क्या है, ठीक है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी जब तक सीबीएसई से आगे अपडेट नहीं आते, बट उसके अलावा यहां पर तुम लोगों को मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिससे हम अपनी साइड से कह दे रहे मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तो वो चीज जो पूरी टीम पढ़ले की तुम्हारे लिए लेके आने वाली है कि भाई ये जो चेंज आया है ये इससे तुम्हारा काम और आसान कैसे हो सके। ऐसा ना हो, देखो अभी तक तो क्या चल रहा था कि यही चल रहा था कि एनुअल एग्जाम है फाइनल, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब यहां पर ये जो टर्म वन टर्म टू होने वाला है तुमको बताऊंगा आगे चल के, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो वो लाइव क्लासेस के बारे में भी डिस्कस में तुमसे करने वाला हूं, जो कि बहुत ही फन होने वाली, बहुत मजा आने वाला है, टोटली लाइव क्लास होगी और बहुत मस्ती करेंगे उसके अंदर। खैर उसके बारे में करते हैं बात आगे, बट अभी फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं कि क्या ये जो सिस्टम हुआ है हमारे साथ भी एप्लीकेबल है। तो हाँ एप्लीकेबल है, मतलब देखो 99.99999% है एप्लीकेबल, ठीक है। मैं मतलब मान के चलो कि एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी भी जैसे तुम्हारे स्कूल्स वाले तुमको अपडेट दे देंगे, बट फिलहाल के लिए अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो जो सीबीएसई का सर्कुलर आया था उसके अंदर एक पोर्शन जिसका स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रहा हूं, वहां पर लिख रखा है क्लास 9 एंड 10 के लिए ये और क्लास 11 एंड 12 के लिए ये। मतलब कि भाई 9 एंड 10 जब सीबीएसई के सर्कुलर में 9th क्लास का नाम लिखा गया है, तो ये बात समझ लो कि भैया ये चीज हमारे साथ भी होने वाली है। क्या चीज होने वाली है वो तुमको एक्जैक्टली बताऊंगा, बट अभी समझ के चलो कि ये चेंज हमारे साथ भी होने वाला है। और अगर हम ट्रेंड को भी देखें तो ट्रेंड जो है आज तक का यही कहता है कि भाई 9th क्लास जो है वो हमको 10th के लिए प्रिपेयर करती है, मतलब 10th की बोर्ड्स के लिए, और 11th क्लास जो है वो हमको 12th की बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करती है। अब अगर मान लो कि 9th में कुछ अलग हो रहा है, 10th में कुछ अलग हो रहा है, तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, जब मेरे टाइम पे जब मैं था स्कूल के अंदर, तो क्या होता था कि हमको आधा आधा सिलेबस आता था, मतलब हाफ ईयरली 9th की हाफ ईयरली तक आधा सिलेबस, और जो एनुअल एग्जाम होगी फाइनल एग्जाम उसमें बचा हुआ आधा। सेम हमारे साथ 10th में भी हुआ, बट हमारे नेक्स्ट ईयर से, मतलब जो हमारा नेक्स्ट ईयर था उसके वहां से क्या हुआ कि 9th में भी पूरा सिलेबस आएगा और 10th में भी पूरा सिलेबस आएगा। तो बेसिकली जो 10th का पैटर्न होता है वो 9th में ऑलरेडी बना दिया जाता है ताकि तुम लोगों के लिए उससे अडेप्ट होना ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं हम कि भैया ये चीज हमारे साथ होने वाली है। अब सिलेबस रिडक्शन कितना होगा, फिर उसके बाद में चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, कब एग्जाम होगी, कहां एग्जाम होगी, ये सब चीजें क्या होने वाली है वो मैं तुम लोगों को अभी बताता हूं। देखो जितनी सीबीएसई की तरफ से क्लियर चीजें वो मैं तुमको क्लियरली बताऊंगा, और जितनी क्लियर नहीं है वो मैं तुमको एक्सपेक्टेड बोल के बताऊंगा, ठीक है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट हां ये चीजें जो क्लियर है वो तो क्लियर है। तो बेसिकली अब जो हमारी एग्जाम होगी, जो पहले होते थे कि भैया हाफ ईयरली होगी फिर फाइनल एग्जाम होगी, और फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट वो मेन होगा जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे होंगे, तो इवन 10th की बोर्ड्स के लिए भी फाइनल एग्जाम का रिजल्ट जो है वो फाइनल है कि भाई ये 10th का रिजल्ट है और ये 9th का रिजल्ट है फाइनल का। अब क्या हुआ कि यहां पर इस साल 10th की एग्जाम नहीं हुई, 12th की एग्जाम नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए उसके लिए, मान लो कि अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आ जाती है तो क्या क्या चीजें की जाएंगी, वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर में आया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो हमारी एग्जाम है वो टर्म वन और टर्म टू में डिवाइडेड है। अब ये हाफ ईयरली और फाइनल वाला कंसेप्ट नहीं है, ये दोनों एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स ही हैं। मतलब कि जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो टर्म वन और टर्म टू का इक्वल वेटेज बन के आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि टर्म वन हाफ ईयरली हो गया, टर्म टू फाइनल एग्जाम हो गई, नहीं, टर्म वन जो है वो तुम्हारी सेपरेट एक एनुअल एग्जाम है, समझ लो कि आधी एनुअल एग्जाम वहां पे होगी और आधी एनुअल एग्जाम हमारी टर्म टू में होगी। अब टर्म वन एग्जाम के अंदर क्या होगा कि तुम्हारे 90 मिनट्स का पेपर रहेगा जिसके अंदर एमसीक्यू आएंगे, मतलब वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाली है। मतलब ऑब्जेक्टिव समझते हो ना तुम, जैसे एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन है, चार में से एक टिक करना, ठीक है, उस टाइप के एग्जाम तुम्हारी होने वाली है। तो उसका जो वेटेज होगा वो,
प्लस मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो प्लस जो हमारी फाइनल एग्जाम होगी, फाइनल भी नहीं मतलब टर्म टू बोलना चाहिए क्योंकि दोनों ही फाइनल है, तो टर्म टू एग्जाम जो होगी उसके अंदर क्या होगा कि वो प्रॉपर सब्जेक्टिव एग्जाम होगी, मतलब वो 3 घंटे की नहीं 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की। अभी 10th का मैं बता रहा हूं, 10th का ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर है वो यही है। तो ऑफकोर्स यार देखो वेरी हाई चांसेस है कि सेम टू सेम 9th में रेप्लीकेट हो जाए, और उसके लिए हमको क्या क्या करना हो मैं तुमको बताऊंगा अभी, क्या क्या स्ट्रेटजी कैसे क्या प्लानिंग करनी है, बट अभी के लिए समझो कि जो हमारी टर्म टू एग्जाम होगी वो सब्जेक्टिव होगी, मतलब उसमें तुमको एक्चुअल लिखना पड़ेगा जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो जो टर्म वन के एग्जाम है, अब देखो 10th के लिए तो ऐसा है कि यार टर्म वन की एग्जाम प्रोबेबली हमारे स्कूल सेंटर्स में होगी, स्कूल के अंदर ही होगी, और जो टर्म टू है वो बाहर सेंटर्स में होगी जैसे जनरली होती है। बट 9th के लिए ऐसा है, 9th के लिए सेंटर्स होते नहीं, तो दोनों एग्जाम स्कूल में होने वाली है। तो जो एग्जाम्स है, अगेन देखो हमेशा से 9th का पेपर आता तो सीबीएसई की तरफ से आता, तो बोर्ड की तरफ से। एक्चुअली क्या होता है कि जो बोर्ड है वो कुछ सैंपल्स देते हैं स्कूल को, उसमें से कुछ एक सेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके डिटेल में जाएंगे नहीं, बट मान के चलो कि जब तुम्हारा 9th का पेपर आता है वो तुम देखते हो यार बाकी पेपर से डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा बाकी पेपर अलग ही स्कूल का बना हुआ दिखता है, और ये जो 9th का पेपर होता है वो कैसा बड़ा होता है। अब हालांकि तुम अभी 9th में हो तुमको पता नहीं होगा, बट हां ऐसे ही होता था जब मैं 9th में था, तो तुमको पूरा ऐसा सीबीएसई का प्रॉपर देखने को मिलता था कि पेपर है, और वहां पर स्कूल का नाम भी जनरली नहीं होता था, ठीक है। तो अभी के लिए समझो कि भाई ये जो पेपर है वो तो बोर्ड्स की तरफ से आना है। अब जो हमारी 9th की टर्म 1 की एग्जाम होगी वो होगी एमसीक्यू, और टर्म 2 होगी सब्जेक्टिव। इतना क्लियर हो गया। अब टर्म 1 के अंदर सिलेबस और टर्म 2 के अंदर सिलेबस कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सिमेटली 50% रहेगा, मतलब कि जो चैप्टर्स टर्म 1 में आने वाले हैं वो टर्म 2 में नहीं आएंगे, और जो टर्म 2 में आने वाले हैं वो टर्म 1 में नहीं आएंगे। तो एक बार तुम्हारा टर्म 1 खत्म हुआ उसके बाद वो चैप्टर्स खत्म, उनका कोई काम नहीं है। अब जो टर्म 2 है उसके चैप्टर्स की तुमको तैयारी करना है। अब एग्जैक्टली कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो अभी तक हमको पता नहीं है, ऐसा बोला गया कि अप्रॉक्स 50% वेटेज है, बट देखो मैं अगर तुमको बताऊं तो हमें मान के चल सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स स्पेशली साइंस के अंदर जो फर्स्ट्स हैं, मतलब जैसे कि फिजिक्स का फर्स्ट सेकंड हो गया, केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड हो गया, बायो का फर्स्ट सेकंड हो गया, तो इस टाइप के जो फर्स्ट फर्स्ट के चैप्टर्स हैं वो मेरे हिसाब से टर्म 1 में आने चाहिए। क्योंकि देखो अगर तुम मान के चलो जैसे मान लो मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और वर्क पावर एनर्जी, अब मान लो हमको मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है नहीं टर्म 1 में, डायरेक्ट ग्रेविटेशन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब भाई किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए, ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए पहले मोशन पढ़ना जरूरी है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना भी जरूरी है। व्हाट आई फील इज कि हमारी जो टर्म 1 की एग्जाम होगी उसमें जनरली फर्स्ट ही रहेंगे, मतलब सब चीजों का फर्स्ट, सब चीजों का फर्स्ट। इवन अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स का हम बता नहीं सकते क्योंकि मैथ्स में ना हर एक मॉड्यूल के हिसाब से अलग अलग, जैसे हो सकता है उसमें एलजेब्रा का फर्स्ट आ जाए, फिर उसके बाद में लेट्स से हमारा मेंजुरेशन का फर्स्ट आ जाए, फिर कंस्ट्रक्शन का आ जाए, फिर इस टाइप से डिवाइड, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या चैप्टर से हमको नहीं पता है, बट हाँ प्रोबेबली हम ये सोच सकते हैं कि हर चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट जो है वो आ सकते हैं, और उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को अभी कुछ क्लासेस शेड्यूल करके दे रहा हूं, वो एटलीस्ट तुमको अटेंड करनी ही करनी है फॉर फ्री, बाकी जो क्लासेस वो हम सिलेबस जैसे जैसे आएगा वैसे समझते जाएंगे। तो इतना हमको क्लियर हो गया। अब क्या इसमें हमारा इंटरनल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या जो हमको स्कूल में एग्जाम्स होगी, जो टेस्ट वगैरह होगी वो इंपॉर्टेंट है? तो भाई हां, इस बिल्कुल भी ख्यालात मत रहना कि डायरेक्ट फाइनल देंगे अब तो बीच के एग्जाम सारी छोड़ दो, नहीं अभी देख लेना 10th वालों के साथ में, उन्होंने भी यही सोचा होगा कि चलो फाइनल देख लेंगे, और फिर उनका आखिर में पता चला कि अरे इंटरनल असेसमेंट के ऊपर आएगा। इवन क्लास 12 वालों को तो ये भी तक हो गया था कि भाई क्लास 11 का भी कुछ कुछ पोर्शन जोड़ लेंगे, क्लास 11 तो कोई पढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए देखो हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, बट प्रैक्टिकली अगर तुम देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम 10th में पहुंचो तब भी हो सकता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल बहुत हो गया, बट मान लो अगर तुम 10th में पहुंचे और 10th की फाइनल एग्जाम्स तक यही सिचुएशन रही, मतलब मान लो उस टाइम पे भी कोई और वेव आ गई, तब अगर रिजल्ट निकलना हुआ तो हो सकता है कि तुम्हारा 9th का वेटेज गिना जाए, हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो तुमको अपने 9th के रिजल्ट को मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हारे साथ में, तुम इसको एडवांटेज समझो, डिसएडवांटेज समझो, जो समझना समझो, बट तुमको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो तुम्हारे इंटरनल टेस्ट वगैरह हो रही, जितने भी हो रहे ना, सब तुमको शिद्दत से देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कैलकुलेट किया जाएगा। अब मैं तुमको एक ब्लॉग के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पढ़ले के ऊपर ब्लॉग है, बहुत इजीली वहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है सब कुछ, बट अगर मैं तुम लोगों को ओवरऑल बताऊं कि वेटेज टर्म 1 और टर्म 2 का कितना रहेगा, तो देखो अगर टर्म 1 के टाइम पे कोविड के कारण क्लोजर रहता है और टर्म 2 के कारण खुल जाता है, तो टर्म 1 का वेटेज कम हो जाएगा और टर्म 2 का बढ़ जाएगा, मतलब टर्म 1 एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगी, तो टर्म 1 का जो वेटेज है, मतलब अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक रहती कि भाई नवंबर की एग्जाम भी हो रही है प्रॉपरली स्कूल के अंदर, और जो मार्च अप्रैल वाली टर्म 2 एग्जाम है वो भी हमारी प्रॉपरली हो रही है, तो दोनों का 50-50% वेटेज रहेगा। बट किसी एक एग्जाम के अंदर अगर मान लो कि कोविड सिचुएशन रहती है और स्कूल्स नहीं खुल पाते हैं, तो जो दूसरी एग्जाम है उसका वेटेज बढ़ जाएगा,
ठीक है। तो जैसे टर्म वन के टाइम पे मान लो कि कोविड सिचुएशन बेकार है, मतलब उस टाइम पे स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं, तो टर्म वन का वेटेज कम हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में और टर्म टू का बढ़ जाएगा। सेम अगर टर्म टू का वेटेज टर्म टू के टाइम पे अगर कोविड सिचुएशन खराब है, उस टाइम पे स्कूल्स बंद है और टर्म वन के टाइम पे खुल गए, तो टर्म वन का वेटेज बढ़ जाएगा और प्लस उसके बाद में जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है वो, मतलब ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली सब्जेक्ट एग्जाम ऑनलाइन लेने के मिले बहुत प्रॉब्लम्स होती है और इतने लोग ऑनलाइन दे भी नहीं सकते। और तीसरी चीज कि मान लो दोनों ही समय पे स्कूल्स बंद है तो क्या होगा कि अगर टर्म वन ऑनलाइन होती है तो थोड़ा सा वेटेज उसका, बट तुम्हारी इंटरनल असेसमेंट जो इंटरनल स्कूल एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तुमको उसमें, क्योंकि उसका वेटेज देखा जाएगा तो वो तुमको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बोनस टिप तुम लोगों को ये देना चाहूंगा मैं कि भाई प्लीज अपने स्कूल के अंदर बिहेवियर अच्छा रखना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, भाई की तरह बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भाई नाइन्थ और इलेवेंथ दो ऐसी क्लासेस हैं जब स्कूल के पास में मौका होता है कि वो टेंथ और ट्वेल्थ के लिए अपना सफाया कर पाए। वो नहीं चाहते कि टेंथ में ऐसे बेकार बच्चे जा जो कि रिजल्ट ना ला पाए, और ना कोई स्कूल चाहता है कि ट्वेल्थ के अंदर कोई ऐसा बच्चा जा जो रिजल्ट ना ला पाए, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन टेंथ और ट्वेल्थ के रिजल्ट पर ही डिपेंड कर रही होती है। तो नाइन्थ और इलेवंथ दो ऐसी क्लासेस है जहां पर तुम देखोगे कि भैया बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, मतलब नाइन्थ में जहां जितने बच्चे थे उसमें से हमेशा हर बैच मेरे स्कूल में तो कुछ बच्चे निकलते ही थे। सेम इलेवंथ में होता था, तो 11th में अगर 40 बच्चे हैं तो 12th में पहुंचते सिर्फ 25 या 30 ही बच रहे होते हैं। तो उन 10 बच्चों में से मत आ जाना जो कि निकाल दिए जाए। और अभी मैं तुम लोगों को स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार स्कूल का बहुत ज्यादा हाथ रह सकता है तुम्हारे रिजल्ट्स के अंदर। अब वो अच्छा भी है डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर तुम स्कूल के साथ में अच्छे रहते हो तो वैसे तो देखो फेयर रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारा प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन हो, बट अगर तुम टाइम पे कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तुम टाइम पे टीचर्स को उनके असाइनमेंट्स वगैरह नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीजें फिर कैलकुलेट तो हो रही है। ठीक है, ये सब काई में कैलकुलेट होता है, ये सब हमारे इंटरनल असेसमेंट में कैलकुलेट होता है, ये भी एक तरह का असेसमेंट है। तो अपने ओवरऑल असेसमेंट को अच्छा रखो, एक डिसेंट असेसमेंट रखो, मेक श्योर कि तुम ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे तुम्हारा कोई भी चांस, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ में भी हो। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि भैया टर्म वन टर्म टू का सब, जैसे ही सिलेबस आता है वैसे ही तुम लोगों को मैं बता दूंगा, बट अभी इस चैनल के ऊपर क्या कहने वाला है तो इस चैनल के ऊपर जो फर्स्ट्स हैं वो सारे मैं डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स अलाइंड थे और कुछ एक वीक की गैप भी होगी क्योंकि ये सारी न्यूज चली रही थी और कुछ टीम के अंदर मतलब और एक्सपांडिंग चल रही थी, मतलब अलग अलग चीजें प्लान हो रही थी तुम्हारे लिए, इसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया। बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा कि जितने भी फर्स्ट हैं वो मैं मेक श्योर करूंगा कि आ जाए। जैसे सोशल के अंदर चारों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं फर्स्ट डाल दूंगा। वैसे ज्योग्राफी का डल चुका है, हिस्ट्री का डल चुका है, ऐसे ही हम सिविक्स इकोनॉमिक्स इन सब के भी प्लान करके डाल देंगे और साथ में जो सेकंड्स हैं वो भी डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड्स ये सारे सब्जेक्ट्स के हम ट्राई करेंगे कि आ जाए। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स की तो लाइव क्लासेस हो ही रही हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो जो अगली मैथ्स की क्लास है वो मैं ना किसी अगले चैप्टर के ऊपर नहीं ले रहा हूं, वो मैं तुम्हारे थर्ड चैप्टर के ऊपर ही ले रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो चैप्टर आ जाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसकी जो क्लास होगी वो होगी संडे के दिन लाइव, उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो भाई क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फैसिलिटीज, मतलब क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट्स मैं तुम लोगों को यहां पर दे सकता हूं, तो चूंकि हमारी एग्जाम्स होने वाली एमसीक्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे लाइव एमसीक्यू पोल। मतलब मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में क्लासेस की लिंक दूंगा, तुम जाओ देखो। जैसे कि सबसे पहली क्लास है फ्राइडे वाले दिन हम ज्योग्राफी का फर्स्ट और हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 1.5 घंटे की क्लास होगी, बिल्कुल लाइव, बहुत मजा आएगा, मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता कितना मजा आएगा। 400-500 बच्चे एक साथ लाइव देखते हैं और हम चैट के अंदर इतनी मस्ती करते हैं, तो वो सारी चीजें होने वाली है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि भाई सबसे पहले तो तुम्हारे लाइव पोल होंगे, मतलब हर क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, तुम्हारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी और हाई चांसेस है कि वही जो एमसीक्यूज में करवा रहा हूं उन्हीं में से कुछ ना कुछ उठ के डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहली बात तो लाइव हो रहा है, दूसरी बात तुम उसमें पोल मतलब खुद आंसर दे सकते हो और इवैल्यूएट कर सकते हो, और तीसरी बात कि अगर तुम गलत आंसर भी दो तो भी तुम सही आंसर हमेशा के लिए याद रख पाओगे, क्योंकि वहां पर मैं तुमको कंसेप्ट भी समझाऊंगा हर क्वेश्चन के पीछे का। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कि एक एक सेशन में दो दो चैप्टर्स उठाएंगे। जैसे कि सबसे पहली क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे को हिस्ट्री का फर्स्ट और ज्योग्राफी का फर्स्ट उठाया, फिर हम क्या करेंगे कि सैटरडे के दिन फिजिक्स का फर्स्ट और केमिस्ट्री का फर्स्ट उठाएंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक से जैसे हमारा सिलेबस आता जाता है वैसे वैसे नेक्स्ट वीक से क्लासेस आती जाएगी। बट फॉर नाउ तीन क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं जिनकी लिंक्स तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि तुम तीनों क्लासेस में जाके एनरोल कर लो, इट इज टोटली फ्री, तुमको बस यूज करना है कोड PC001। तो सबसे पहली क्लास हो जाएगी तुम्हारी फ्राइडे वाले दिन,
जिसमें सोशल के हम पोल कर लेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत मजा आएगा उसके अंदर। सेम चीज हम सैटरडे को करेंगे विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, बहुत मजा आएगा उसमें भी। एंड संडे वाले दिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर हम लेक्चर के बाद में पोल भी करने वाले, तो वो चीज एक ही साथ कवर हो जाएगी। तो पहली बात, मैथ्स यार लाइव पढ़ने में अलग ही मजा आता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होने वाली है, तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में जो तीनों लिंक्स हैं तुम जाओ वहां पर क्लिक करो, यूज करो कोड PC001 और नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो, ताकि तुम क्लास में एनरोल हो जाओ और अपनी सीट बुक कर लो, ठीक है? और ये क्लासेस ऑनली बहुत ही तगड़ी, तो हमको बहुत मजा आने वाला है, तो मेक श्योर तुम ये काम कर लो। बट फिलहाल के लिए अगर मैं तुमसे कुछ कहूं, तो इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं वो पहले अब देखो, मैं पूरा सिलेबस फिर से रीस्ट्रक्चर करूंगा कि हमको फर्स्ट्स कैसे कैसे डालना है। मेरा टारगेट है कि भाई पहले 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 चैप्टर सारे हो जाए, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन सही हो। मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं डालूंगा, जो तुम्हारा कन्वीनियंस है, जो तुम्हारे चैप्टर्स आने के चांसेस है उनके हिसाब से डालूंगा। तो बस यार अभी के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा कि यार मेक श्योर कि तुम अपनी प्रिपरेशन तगड़ी रखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई वाले टिप तुम लोगों को बोल दूं कि भाई प्लीज अपना बिहेवियर, अपना इंटरनल असेसमेंट अच्छा रखना, क्योंकि रिजल्ट में वो काम आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पढ़ले को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ। तब तक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन क्लासेस में एनरोल कर लो, इट इज टोटली फॉर फ्री, लाइव क्लासेस होंगी, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, जितना हो सके घर में रहो, मास्क पहन के बाहर जाओ, सैनिटाइजर यूज करो, और अपने परिवार का ध्यान रखो। आई होप तुम सब लोग ठीक हो, ठीक ही रहो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।